बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है 2 सितंबर 2020, बरोज़ बुध, अमारात खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुतहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुतहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से बताया गया है कि मंगल के रोज़ 574 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 560 लोग मर्ज से सेहतियाब हो गए हैं। ताहम मुल्क में वायरस के बायस कोई अमवात नहीं हुई। वजारत सेहत की जानिब से मजीद बताया गया है कि मुल्क भर में 83,000 नए टेस्ट भी किए गए हैं। ख्याल रहे कि मुतहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके पेश नज़र हुकाम की जानिब से लोगों को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की बार बार हिदायत की जा रही है। मजीद बरा मुल्क में जारी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल्स के लिए 31,000 रजाकार रजिस्टर हो चुके हैं, जिसके बाद नए रजाकारों की भर्ती बंद कर दी गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। फ्लाई दुबई का कोरोना के हवाले से मुसाफरों के अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। फ्लाई दुबई की जानिब से मंगल के रोज़ ऐलान किया गया है कि 1 सितंबर और 30 नवंबर के दरमियान फ्लाई दुबई के ज़रिए सफ़र करने वाले मुसाफरों को कोरोना के हवाले से अखराजात एयरलाइन बर्दाश्त करेगी। अगर मुसाफिर सैर के दौरान कोरोना से मुतासर होते हैं तो इस सर्विस के तहत इनके करंटीना और सेहत से मुतालिक दूसरे अखराजात एयरलाइन बर्दाश्त करेगी। ताहम ये सर्विस एयरलाइन के साथ पहली परवाज के दिन से 31 दिन के दरमियान हासिल की जा सकेगी। इस सर्विस में मुसाफिर 1,50,000 यूरो तक के सेहत से मुतालिक अखराजात और 14 दिन के करंटीना के लिए हर दिन 100 यूरो के अखराजात की कवरेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। याद रहे कि इससे पहले जुलाई में एमिरेट्स एयरलाइन ने भी 1,50,000 यूरो तक के सेहत से मुतालिक अखराजात और 14 दिन करंटीना के लिए हर दिन 100 यूरो के अखराजात की कवरेज का ऐलान कर चुकी है। बशर्ते के मुसाफिर दौरान सफ़र कोरोना से मुतासर होते हैं तो वो इस सर्वे से बिल्कुल मुफ्त इस्तफादा हासिल कर सकेंगे। फ्लाई दुबई के चीफ कमर्शियल ऑफिसर हम्माद अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारे मुसाफरों और अमले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोरोना से मुतालिक अखराजात बर्दाश्त करने की सहूलत से लोगों को सफ़र की तरगीब मिलेगी और पुरसकून होकर सफ़र करेंगे। सफ़र के दौरान हर कदम पर उनका ख्याल रखा जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई अल बर्शा में पाकिस्तानी निजाद ने ऐसा काम किया कि सर शर्म से झुक जाए। अब इस खबर की तफसील। दुबई में एक पाकिस्तानी निजाद शख्स को लड़की से जबरदस्ती करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वाकया अल बर्शा में पेश आया जब लड़की बाथरूम में गई थी तो उसके कमरे में एक पाकिस्तानी निजाद को वापस आने के बाद मौजूद पाया। लड़की ने बयान दिया कि वो मोबाइल इस्तेमाल करते हुए कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही उसने 33 साल पाकिस्तानी निजाद को कमरे में देखा तो फ्लैट में मौजूद अपने दोस्त को मदद के लिए मैसेज किया। इस शख्स ने मेरे होंठों को चूमने की कोशिश की और इसके बाद मेरे हाथ को खींचते हुए मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मुझसे ज़बरदस्ती जिंसी तशद्दुद करने की कोशिश की। लड़की के दोस्त के मुताबिक जब मैं कमरे के नज़दीक गया तो मैंने आवाज़ें सुनी और जब दरवाज़ा खोला तो वो शख्स लड़की के ऊपर होने की कोशिश कर रहा था और इसने अंडरवेयर पहन रखा था। जब इस शख्स को देख लिया गया तो उसने धमकी दी कि अगर पुलिस को इतला देने की कोशिश की गई तो वो बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेगा। फिर बिल्डिंग सुपरवाइज़र को बुलाया गया और अल बर्शा पुलिस स्टेशन को इतला दी गई, जिस पर इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मलेशिया ने भारतीय शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। अब इस खबर की तफसील। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र भारत, इंडोनेशिया और फिलीपीन के शहरियों को मलेशिया में दाखिल होने से रोक दिया गया है।
मलेशिया के हुकाम ने इन तीनों ममालिक के शहरियों के दाखिले पर ताहुकम सानी पाबंदी आयद की है। बताया गया है कि मलेशियन हुकूमत ने भारत, इंडोनेशिया और फिलिपाइन में कोरोना केसेस के तश्वीशनाक हद तक फैलाव के बाद इन ममालिक के शहरियों का दाखिला बंद करने का फैसला किया है। इन ममालिक के शहरी 7 सितंबर से मलेशिया में दाखिल नहीं हो सकेंगे। मलेशिया के हुकाम का कहना है कि हम दुनिया भर में बढ़ते कोरोना केसेस पर नज़र रखे हुए हैं और जिन ममालिक में मोहलिक वबा के केसेस में इजाफा होगा उनके शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर देंगे। वाज़े रहे कि मलेशिया में गुज़श्ता 6 माह से गैर मुल्की सियाहों के दाखिले पर पहले से ही पाबंदी आयद है, जबकि ये भी वाज़े रहे कि भारत इस वक्त कोरोना वायरस से दुनिया का 3रा सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क बन चुका है। भारत में यौमिया बुनियादों पर हज़ारों की तादाद में कोरोना केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।